नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हम प्रिया तिवारी के पास पहुंचे हुए हैं, जो कि पूरा हिंदुस्तान हमारा जो है ना राममय हो गया है। उसमें इन्होंने इतना सुंदर दिल को छूने वाला गाना गाया है ना कि हमसे रहा नहीं गया, हम सोचे कि दर्शक के बीच में रखे। सबसे पहले स्वागत है आपका गंगा न्यूज। गंगा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गाना पहले गा के सुना दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। जो गाना रिलीज हुआ है वो मैं जरूर गाना चाहूंगी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम के वैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। बहुत सुंदर, ये गाने सुनने के बाद दिल जो है ना एकदम भक्तिमय हो जा रहा है। हाँ, और एक और बहुत सुंदर गाना जिसका टाइटल है राम आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी। अवध में राम आए। बहुत सुंदर गाती है, दूसरी बार हमारी मतलब कि गंगा न्यूज पे चल रही है शुभम तिवारी। आप लोग जानते होंगे, नाम कंपोजर है, खेसारी जी के मतलब कंपोजर है। हर गाना जब कंपोज करते हैं ना तब ब्लास्ट कर उन्हीं की धर्म पत्नी जी। ये बताइए, अयोध्या में लगता है कि राम जी फिर दोबारा आ गए हैं। जी बिल्कुल, अयोध्या तो उनका निवास स्थान है, हम सभी जानते हैं। लेकिन काफी समय से विवाद चल रहा था कि उनके निवास स्थान पे उनका आगमन किस तरीके से कराया जाए। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि श्री रामचंद्र जी का भी आशीर्वाद है और आज राम जी का यहाँ निवास स्थान है, वहीं पे राम जी विराजमान हो रहे हैं। और हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है कि आज श्री रामचंद्र जी का आगमन हो गया। मुझे लगता है कि दिवाली के दिन जब श्री रामचंद्र जी आए हुए थे रावण वध करके, तो उस दिन भी हमने दीपों से अपने घरों को सजाया था, रास्तों को सजाया था। तो मुझे लगता है कि आज के दिन भी वही होने वाला है। ये एक ऐतिहासिक दिन है जिसको हम सभी भारतवासी बिल्कुल हर्ष उल्लास के साथ मनाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि हम लोग भी जो भी जहां भी है अपने घर पे जरूर दीपोत्सव मनाएं और दिवाली के जैसा ही राम जी का स्वागत करें। लगे ऐसा कि फिर दोबारा राम जी हमारे पहुंचे हैं अयोध्या में, उस तरीके से मतलब इनका कहना है कि हिंदुस्तान में पूरा दीपों का मतलब कि त्योहार कर दिया जाए। अच्छा, मोदी जी को लेकर के क्या कहेंगी? बहुत सालों से केस चल रहा था, आज जीत करके आज बड़े भव्य तरीके से अयोध्या में मंदिर बन रहा है, राम जी को मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो क्या कहेंगी? सबसे पहले तो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, मोदी जी को, कि उनके कर कमलों द्वारा ये होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि 500 साल से जो विवाद चल रहा था और जिसकी हम सभी को बहुत बहुत
टाइम से इंतजार था वो पूरा होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद उनके ऊपर भी है, तभी उनके हाथों से ये होने वाला है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है उसको हम सभी भारतवासी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ उन्होंने नहीं, या हम सभी ने मिलके भी किया है, जितने भी देशवासी हैं उन सभी ने भी योगदान दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके ऊपर आशीर्वाद है, तभी उनके सरकार के अंदर में ये सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग का कहना है कि मंदिर वहां नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। बहुत सारे लोग मुस्लिम परिवार से भी कहे को मैं देखा वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, ये सब बातें बोल रहे। आप कैसे सोचती है, क्या मतलब वहां मंदिर नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए या रोजगार का कारखाना होना चाहिए, मतलब क्या कहना है? मुझे लगता है कि हम सभी भारत को अगर जानते हैं, किसी दूसरे देश में किसी दूसरे प्रांत में जाइएगा तो भारत को एक धर्म और संस्कृति वाला देश ही हम मानते हैं और इसी से इसकी पहचान है। तो मुझे लगता है कि जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वो चीज होना चाहिए। मुझे लगता है कि वहां पे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर की जरूरत थी और उस जरूरत को पूरा किया गया है, क्योंकि वो निवास स्थान है। आखिर जब हमारी अगली पीढ़ी आएगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि अयोध्या ही श्री रामचंद्र जी का निवास स्थान था? तो आज जो ये राम मंदिर बन रहा है ये धर्म का बहुत बड़ा संकेत है, जिसकी हम सभी को बहुत काफी टाइम से बहुत इंतजार था। और सिर्फ भारत में ही नहीं, मुझे लगता है कि भारत में के बाहर भी जिस देश विदेश में भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो हिंदुस्तानी हैं, आज वो भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि जहां पे जिस चीज की जरूरत है वो चीज जरूर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अयोध्या में हॉस्पिटल होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी होगा और बहुत सारे हॉस्पिटल वहां पे है भी। और लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पीढ़ी को हमारे धर्म और सनातन और संस्कृति से भी जुड़ के रहना चाहिए, इसलिए मंदिर भी वहां बहुत ज्यादा जरूरी। देखी होंगी एक मुस्लिम का वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि पहले वहां बाबरी मस्जिद ही था, मतलब छल किया गया, आई लोग मतलब कोर्ट कचहरी खरीद करके अब वहां पे मंदिर स्थापित मतलब किए, क्या कहेंगे? देखिए भारत में जो न्याय है वो सबसे ऊपर होता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश मिला था, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। और जो मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, उस मस्जिद के लिए भी अलग से स्थान दिया गया है मस्जिद को बनाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदू और मुस्लिम नहीं देखता है, या हमारे यहाँ के जो न्यायाधीश हैं वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है और मस्जिद के लिए भी स्थान दिया गया है।